अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द और परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इंग्लिश से रिलेट या उर्दू से रिलेट या मैथ से रिलेट, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आइए आज का हम पढ़ते हैं कि आज हमारा हमने जो पिछली वीडियो में था वो मैंने व्यूअर्स आपको पढ़ाया था नंबर एट के बारे में बताया था। एंड नाउ टुडे आवर टॉपिक नंबर इज़ नाइन। और बच्चे को आप हमेशा जब भी स्टार्ट करवाने लगेंगे यू का मतलब आपने साथ बताना है। यू मीन्स यूनट। और आइए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है और ये कैसे लिखा जाएगा। पुट द पेंसिल ऑन द डॉट देन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसकी फॉर्मेशन मेरे साथ आप पढ़ें। सेमी सर्कल अप डाउन नाइन। दोबारा से देखें, सेमी सर्कल अप डाउन नाइन, सेमी सर्कल अप डाउन नाइन। अब ये देखें, ये जो बॉक्स इस तरह से बने हुए हैं ये सारे जितने भी, ये इसका मतलब बच्चा पीछे करके आ चुका है, इसलिए ये सारे ड्रॉ हुए हैं। और जो डॉटेड में लगा हुआ है इसका मतलब वो बच्चे ने अभी करना है। आप बच्चे से पहले आप ये काउंट करवाएंगे बच्चे को, ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने पीछे ये सब बना चुका हूँ। तो काउंट करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो मैंने डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब इस पर बच्चा ड्रॉ करेगा। 8 वाला 9 वाला जो है वो बच्चा ड्रॉ करेगा। तो बच्चे को आप बताएंगे इस तरह से कि बच्चा पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेगा, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करेगा, फिर इस वाली लाइन ड्रॉ करेगा, तो वो सीधा बॉक्स बनेगा। तो ये 9 बॉक्स हो गए। हाउ मैनी बॉक्स? 9 बॉक्स। बच्चे से दोबारा से काउंट करवाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर से फिर काउंट करवाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने बॉक्स हो गए? 9। हाउ मैनी बॉक्स? 9। और इसका होलो लेटर कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से बनाएंगे। नाइन, ये 9 बन गया। अब इसके अंदर हम फॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर 1, यानी कि ये यूं एरो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर यूं एरो आ रहे हैं, ठीक है। यूं जाते हुए ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएंगे, ठीक है। यूं डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। बच्चे से आप फिल करवाएंगे, पहले 2 फिंगर के साथ आप फिल करवाएं। सेमी सर्कल अप डाउन, सेमी सर्कल अप डाउन, सेमी सर्कल अप डाउन। देन डू द प्रैक्टिस ऑन सरफेस ऑन द टेबल इन विथ 2 फिंगर्स। सेमी सर्कल अप डाउन, सेमी सर्कल अप डाउन। देन आप हवा में भी लिखवा सकते हैं, सेमी सर्कल अप डाउन, सेमी सर्कल अप डाउन, ठीक है। ये हमारा क्या हमने लिखा है? 9। इसी तरह बच्चे से फिल करवाएंगे आप लोग। इस डॉट से स्टार्ट करेंगे, सेमी सर्कल अप डाउन, सेमी सर्कल अप डाउन, 9। क्या पढ़ा हमने आज? 9 लिखना मैंने आपको बताया। इसकी फॉर्मेशन में आपको समझ आ गई होगी यकीनन। और ये देखें, ये इसका कटआउट है 9, ठीक है। इसके ऊपर भी बच्चे को आप उंगली फिरवा सकते हैं यूँ, सेमी सर्कल अप डाउन 9 9 9। कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप, बच्चे को उस ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से बता सकते हैं आपके ये 9 चीज़ें हैं। फिंगर्स आप बता सकते हैं, हाउ मैनी फिंगर्स इन आवर हैंड्स। फिर बच्चा फिंगर्स पे गिनेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक काउंट करेगा। फिर जब 10 पड़ेगा तो वो 10 वाले भी काउंट करेगा। तो इसके अलावा आप बच्चे को कोई भी पिक्चर्स आपके पास हो, मतलब घर में कुछ भी हो, आप वो बच्चों से उन पिक्चर्स के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए, ये मॉन्टेसरी लेवल का 9 नहीं है, इसको मैं काउंट नहीं करूँगी। तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये देखें, बच्चे से आप पूछेंगे हाउ मैनी बटरफ्लाइज, आप बच्चे से फिर काउंट करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बटरफ्लाइज, वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप बच्चे से भी कहें कि वो बच्चा खुद भी उंगली रख के
बताएगा कि ये कितनी बटरफ्लाइज हैं। और उसके अलावा व्यूअर्स, जो मैंने एक्टिविटी जो हमारी हैं, वो जो हम करते हैं ये वाली एक्टिविटी राउंड वाली स्टार्स वाली, आप इसको यूँ सीधा भी रख सकते हैं, ये देखें यूँ। उसके अलावा आप पहले बच्चे से ये रिपीट करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से भी रिपीट करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 स्टार 1 स्टार्स 2 स्टार्स 3 स्टार्स 4 स्टार्स 5 स्टार्स 6 स्टार्स 7 स्टार्स 8 स्टार्स एंड 9 स्टार्स, नंबर 9। और इसी तरह पैग जो है जिसके ऊपर 9 लिखा होगा यूँ करके, तो आप बच्चे को कहेंगे कि ये वाला जो पैग है वो इस 9 स्टार्स के ऊपर लगाएगा। पहले आप काउंट करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 स्टार कर लेगा तो बच्चे को आप पैग देंगे, बच्चा इन इस पैग को इस तरह इसके साथ लगा देगा, इसका मतलब ये 9 स्टार्स हो गए, ठीक है। ये हमारी होगी पहली एक्टिविटी। और उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी बहुत ही ईजी है वो ये वाली है, ये देखिए आप लोग को नज़र आ रही होगी शायद, हाँ ये देखें यहाँ पर अब कितने गिलास पड़े हुए हैं, 9 गिलास पड़े हुए हैं, ठीक है। आप बच्चे से काउंट करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मैनी ग्लास 9। और आज हमने क्या पढ़ रहे हैं, 9, हमने 9 पढ़ा है, तो बच्चे से आप कहेंगे 9 वाला ग्लास उठाएं। बच्चा जब 9 वाला गिलास उठाएगा फिर उसके नीचे से बटन्स होंगे, आपने बच्चे से बटन्स काउंट करवाने हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटन्स, इसमें से आप 1 मिस भी कर सकते हैं, फिर काउंट करवाएं, बच्चा 8 बताएगा, फिर वो कहेगा 8 तो ये वाले हैं, इसी तरह फिर आप दोबारा से रख दें ताकि बच्चा फिर से काउंट करे। और फिर आप बच्चे को कहें कि जो 9 वाला गिलास है वो इन 9 बटन्स के ऊपर रखें, बच्चा यूँ 9 बटन्स के ऊपर रख लेगा। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप लोग बटन यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप लोग डॉट्स भी डाल सकते हैं, जैसे ये मैंने मार्कर से लिखा हुआ है ना, इसी मार्कर से आप डॉट्स भी डाल सकते हैं इन बटन्स की जगह पे, या कोई और भी ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने 9 के बारे में जो बताया आपको, तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आप लोगों को आज के क्वेश्चन बता देती हूँ कि विच इज़ आवर नेशनल ड्रेस, आवर नेशनल ड्रेस इज़ शलवार कमीज। उसके बाद इस्लामियत का है कि जब मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, तो इसका पूरा आंसर ये है कि जब मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं और हाथ मिलाते हैं। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।